नाज़रीन, दसवीं के इम्तिहानात मंडी में हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंडी में आज जब तालिबे इल्म अपने पेपर देने के लिए हॉल में पहुंचे तो वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। इसमें काफी वक्त लग गया जब तक इंतजामिया की जानिब से वहां पर शमें रोशन की गई, लेकिन फिर भी तालिबे इल्म को लिखने में बड़ी परेशानियां आई। इस दौरान पूंछ सीजन चैनल के नुमाइंदा ज़हीरा पाचाचा वहां मौजूद थे, जिन्होंने तलबा व तालिबात और असातिज़ा से बात की। इस दौरान मज़ीद क्या दरख्वास्त देते हैं मंडी से, एक रिपोर्ट। अब पसंद से आपका पेपर देना 6 तारीख को, तो दे नहीं होगा अगर आपको आइए पेपर से, ठीक है? देखिए मेरा नाम अब्दुल रहमान शेख। तो किस क्लास का एग्जाम दे रहे हैं आप? 10th का। आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या परेशानी आ रही है? हमें इसमें लाइट की परेशानी है, हम पेपर नहीं कर सक रहे। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर बिल्कुल अंधेरा है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करोगे? हमें लाइट चाहिए और क्या करें। इम्तियाज अहमद, पे देखो जो लाइट की प्रॉब्लम है, बिल्कुल अंधेरा होता है अंदर और ऊपर से बारिश भी है, बच्चों को ठंड लगती है, कोई हीटर नहीं, ना ही यहाँ पे इन्वर्टर है। रूम हीटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो लाइट की फैसिलिटी जो यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल अंधेरे में बच्चों ने लिखा, कोई दिखाई कुछ नहीं दे रहा था हमें, किससे मतलब पेपर उनका पूरा नहीं हो पाया ठंड की वजह से, बच्चे कांप रहे थे, ऊपर से लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था लास्ट पे। मत सेंटर है ये मंडी आइस कंट्री, तहसील की आइस कंट्री है, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए और यहाँ पे हीटर होने चाहिए, रूम हीटर, ठंड है, बहुत ठंडा इलाका है। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, आज हमारा 10th क्लास का पेपर था। सर अंदर लाइट नहीं थी तो अंधेरा था, हमारा पेपर कुछ भी नहीं हुआ और आज बारिश थी, ठंड बहुत ही थी, तो पेपर अच्छा नहीं हुआ और हम ये पेपर दोबारा देना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। सर जैसा कि आपने देखा होगा, हम आज इधर आए थे, ये स्क्रीनिंग थी, आज ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम हायर सेकेंडरी बॉयज मंडी में आए थे, तो हमने यहाँ देखा कि आज 10th का एग्जाम है, तो हमने यहाँ देखा कि जो ये जो हॉल से यहाँ कोई लाइट का अरेंज नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, आपने खुद देखा होगा अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ हायर सेकेंडरी में जैसा कि हमने भी यहाँ से पढ़ा है, यहाँ जनरेटर्स हैं, इन्वर्टर वगैरह है, लेकिन यहाँ कुछ भी यूज नहीं हुआ है, बच्चे बिल्कुल अंधेरे में लिख रहे हैं, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम यही पूछना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि अगर ये है तो यहाँ पहले अरेंज होना चाहिए था लाइट्स का, कैंडल्स वगैरह का। प्रिंसिपल सर तो हमें यहाँ मिले नहीं, बाकी हमें लेक्चरर एक दो मिले थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल साहब का मैटर है, हमने एग्जामिनर साहब से भी बात की, उनको हमने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमारे तक कुछ नहीं है, हमने एग्जाम देना हम ले लेंगे, बाकी रही बात ये इंस्टीट्यूशन वालों ने खुद करना था अरेंज, लेकिन यहाँ कोई अरेंज नहीं, आपने देखा होगा बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अंदर। तारिक महमूद मास्टर स्टूडेंट, देखिए मौसम आपको पता है कि अचानक खराब हो गया है, हमने कोशिश किया कि बच्चों को परेशानी ना हो, हमने यहाँ कैंडल्स का लाइट्स का इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी वो कम है, तो लाइट मौसम खराब होने की वजह से लाइट नहीं आई है,
और जो इन्वर्टर था यहाँ स्कूल का वो भी डेड हो चुका है। तो हमने कोशिश किया है कि इसमें यहाँ पे कैंडल्स का आपने देखा होगा यहाँ पे, और उसके बाद लाइट्स का इंतजाम किया है, लेकिन वो कम है। तो हम और कोशिश करेंगे, अगर और बच्चों को परेशानी है तो हम वो पूरा करेंगे। इसमें ये नहीं था कि मौसम ख़राब होगा, ये अचानक ख़राब हुआ, तो हमने कोशिश की है और फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है सारा कुछ। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, ये नाइन लाइट पीछे से बंद है, क्या करें हम, इन्वर्टर भी बंद है और डेड हो चुका है। कोशिश की हमने अपनी तरफ से, लाइट्स का ये कैंडल लगाई है, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है।